टोनी स्टार्क के आयरन मैन के कैरेक्टर को हम सब पसंद करते हैं, एक जीनियस कूल इंटेलिजेंट बिजनेसमैन। और हम में से कई लोग सोचते हैं यार काश कोई रियल लाइफ में भी ऐसा होता। सो डोंट वरी, आज हम रियल आयरन मैन और उनके पागलपन के बारे में बात करेंगे, जो कि ऑब्वियसली हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क पैदा हुए थे 28 जून 1971 में। वो बचपन से ही बहुत शार्प थे, ये इस बात से पता किया जा सकता है कि एक बार जब इलॉन मस्क के फ्रेंड ने उनसे कहा, इलॉन वो देखो मून, ये हमसे बिलियंस ऑफ बिलियंस किलोमीटर दूर है। लेकिन इलॉन ने कहा, नहीं टू बी एग्जैक्ट ये बिलियंस किलोमीटर नहीं, ये सिर्फ 384,400 किलोमीटर दूर है। और इलॉन के दोस्त ने कहा, इलॉन की मदर कहते हैं कि इलॉन ने फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप कर ली थी। अगर घर में किसी को भी क्वेश्चन पूछना होता था तो सब फैमिली मेंबर्स कहते थे, उस जीनियस बॉय को बुलाओ, यानी इलॉन मस्क को बुलाओ। इलॉन की माँ एक सुपर मॉडल थी जबकि डैड एक इंजीनियर थे। लेकिन जब इलॉन 10 साल के हुए तो उनके माँ बाप का डाइवोर्स हो गया। इलॉन अगर एक नॉर्मल बच्चा होता तो अपने माँ बाप के डाइवोर्स को लेकर 2-3 साल फ्रस्ट्रेट रहता। लेकिन 2 साल में ही इलॉन ने प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बना ली और उस गेम का नाम था ब्लास्टर। बचपन से ही इलॉन की फोकसिंग पावर बहुत ज्यादा थी। कई बार तो जब वो किसी चीज के बारे में सोचने लगते तो वो इतने खो जाते कि अपने आसपास वाले लोगों की बात ही नहीं सुनते थे। और उनके फैमिली मेंबर्स को ये लगने लगता कि पक्का इलॉन बहरे हो गए हैं। लेकिन ये लड़का बहरा नहीं, जीनियस था। अब क्योंकि इलॉन मस्क बचपन से ही अपने एज ग्रुप के लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट थे, इसलिए स्कूल में उन्हें बाकी बच्चे बहुत अजीब सा समझते थे और उन्हें बहुत बुली किया जाता था। एक बार तो बाकी बच्चों ने उन्हें धक्का देके सीढ़ियों से गिरा दिया और इलॉन बेहोश हो गए। इलॉन कहते हैं कि फिर मैंने बस एक ही चीज को अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया और वो थी बुक्स। उन्हें जो भी बुक्स मिलती, कॉमिक्स बुक, बायोग्राफीज, वो सब पढ़ जाते। इलॉन कहते हैं कि मैं जागने से लेकर सोने तक बस बुक्स ही पढ़ता रहता था और इससे ही मेरी इंटेलिजेंस इम्प्रूव हुई। 17 साल की उम्र में इलॉन कनाडा शिफ्ट हो गए, क्वींस कॉलेज में एडमिशन ले ली। बचपन से ही इलॉन अमेरिका जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वहाँ पर बाकी सब कंट्री से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और यूएस में वो ज्यादा इनोवेशन कर पाएंगे। और 3 साल बाद 20 साल की उम्र में उनका ये सपना भी पूरा हुआ और फाइनली उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन मिली। अमेरिका पहुंचकर इलॉन मस्क ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ अपनी पहली कंपनी खोली जिसका नाम था zip2.com, जिसमें इलॉन ने येलो पेजेस की सीडी उठाई जिसमें पूरे शहर की दुकानों के फोन नंबर और एड्रेस दिए गए थे। उन्हें शहर के मैप के साथ कंबाइन किया और प्रोग्रामिंग कोड लिख के एक वेबसाइट तैयार की जिसमें लोग इस वेबसाइट में लॉगिन करके किसी भी लोकल बिजनेस की लोकेशन और फोन नंबर को देख सकते थे। 1999 में कॉम्पैक ने zip2 कंपनी को $307 मिलियन में खरीद लिया जिसमें इलॉन का हिस्सा $22 मिलियन आया, यानी करीबन 150 करोड़ रुपए। इलॉन इस वक्त सिर्फ 28 साल के थे। एक नॉर्मल यंगस्टर होता तो वो बीचेस में जाता, ट्रैवल करता और एंजॉय करता, क्योंकि इतना पैसा तो बहुत लोग अपनी पूरी लाइफ भी नहीं कमा सकते। बट इलॉन ने बहुत ही जल्दी बिना वेट किए अपनी दूसरी कंपनी खोली जिसे उन्होंने नाम दिया x.com। इलॉन ने देखा कि बैंक्स के बाहर लोग लंबी लाइंस बना के खड़े रहते हैं सिर्फ अपने चेक्स क्लियर करवाने के लिए और उन्होंने सोचा क्यों ना कोई इंटरनेट पेमेंट सिस्टम बनाया जाए जिसमें ये सब हो ही ना और सेकंड्स में लोग अपनी पेमेंट कर सकें। इलॉन ने अपने कॉम्पिटिटर confinity.com के साथ मर्ज कर लिया और इस कंपनी को दोबारा नाम दिया गया paypal.com। ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया जिसमें से इलॉन मस्क को $180 मिलियन मिले। इस वक्त इलॉन सिर्फ 30 साल के थे। अगेन इलॉन मस्क दोबारा से बीचेस या छुट्टियों में नहीं गए और अपनी नेक्स्ट कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था SpaceX। इस वक्त इलॉन को कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था और इलॉन ने खुद के $100 मिलियन इस कंपनी को फंड करने के लिए लगा दिए। इमेजिन करो यार, एक इमिग्रेंट US आता है और कहता है कि क्या ये नासा के रॉकेट, मैं नया रॉकेट सिस्टम बनाऊंगा। अब क्योंकि रशिया रॉकेट की टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा था इसलिए पहले इलॉन मस्क रशिया गए उनसे रॉकेट खरीदने के लिए, लेकिन रशियंस ने इलॉन का बहुत मजाक उड़ाया और एक रशियन ऑफिसर ने तो इलॉन के ऊपर स्पिट भी कर दिया। इलॉन वापस आए और दोबारा से बहुत सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी रॉकेट्स के बारे में। नेक्स्ट है सोलर सिटी। इलॉन को एक और चीज डिस्टर्ब करी थी कि क्यों हम फॉसिल फ्यूल्स को धरती से निकाल के कार्बन बना के दुनिया की फॉर्म में आसमान में छोड़ रहे हैं और पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। इलॉन ने अपने 2 कजन्स लिंडन और पीटर राइव को बुलाया और कहा कि अगर तुम सोलर पर काम करना चाहते हो तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, ये तुम्हारी कंपनी होगी लेकिन मैं इस कंपनी का चेयरमैन बनूंगा। इलॉन के दोनों कजन्स ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह से सोलर सिटी का जन्म हुआ। इलॉन ने कहा कि बस तुम्हें बेस्ट सोलर पैनल्स बनाने के लिए हर एक स्टेप को बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले 10% बेटर बनाना है। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तुम सोलर टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में बेस्ट बन जाओगे। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, सोलर सिटी यूएस में बेस्ट सोलर सर्विस प्रोवाइडर बन गया। उसके बाद बारी आई इलेक्ट्रिक कार्स की। इलॉन इससे भी इम्प्रेस नहीं हुए और उन्होंने कहा कि मैं इलेक्ट्रिक कार्स बनाना चाहता हूँ
ताकि हम नॉर्मल कार्स को रिप्लेस कर सकें और दुनिया से कार्बन एमिशन को कम कर सकें। इलेक्ट्रिक कार्स में कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था क्योंकि सबको लगता था कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर उन्हें उनकी इन्वेस्टमेंट पर कभी रिटर्न मिलेगा ही नहीं। इसलिए इलॉन ने खुद के $6.3 मिलियन इस इलेक्ट्रिक कार कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। ज्यादातर उस वक्त लोग सोचते थे कि इलेक्ट्रिक कार्स बच्चों की कार्स होती है जो गोल्फ कोर्स के सामान उठाने के काम आते हैं, लेकिन इलॉन ने टेस्ला कार्स को बहुत ही अट्रैक्टिव कार्स बनाए ताकि ऑडियंस के मन में एक डिजायर क्रिएट हो सके और फाइनली ही सक्सीडेड। और आज टेस्ला दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इलेक्ट्रिक कार कंपनीज में से एक है। नेक्स्ट बारी आई स्टारलिंक सैटेलाइट्स की। 2018 में इलॉन मस्क को US गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई कि वो लो अर्थ ऑर्बिट्स में अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं ताकि वो लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सके। You're looking at 60 satellites hurtling into the sky. And over the next few decades, Elon Musk is hoping to send 42,000 of these satellites to space. Elon ka goal isme ye hai ki aane wale kuch saalon mein Elon space mein 42,000 satellites ko launch kare taki duniya ke har ek corner mein without buffering high speed internet mil sake. May 2019 mein SpaceX ne 60 satellites launch kare aur 6 mahine ke baad November 2019 mein 60 और सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बारी आई द बोरिंग कंपनी की। इलॉन मस्क यहाँ भी नहीं रुके। जनवरी 2017 को द बोरिंग कंपनी रजिस्टर करवाई गई। इस कंपनी का मेन गोल ये है कि हम टनल से ट्रेवल करें ताकि बढ़ते ट्रैफिक को हम रोक सकें। और ये आइडिया इलॉन को एक बार ट्रैफिक की वजह से लेट होने पर आया। और कोई होता तो परवाह नहीं करता, लेकिन इन्होंने कंपनी खोल डाली। मई 2019 में इलॉन को $48.7 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला लास वेगास कन्वेंशन एंड विजिटरी अथॉरिटी से ताकि वो एक अंडरग्राउंड लूप सिस्टम क्रिएट करें। नेक्स्ट बारी आती है न्यूरालिंक की। इलॉन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफी सीरियसली लेते हैं और इनका मानना ये है कि अगर AI को जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हम पर पूरी तरीके से हावी हो जाएगा। इसीलिए इलॉन ने गूगल की AI कंपनी डीप माइंड में इन्वेस्ट किया हुआ है ताकि उन्हें पता लगता रहे कि AI में कितनी इम्प्रूवमेंट्स हो रही है। और साथ में ही एक कंपनी भी खोल दी जिसका नाम है न्यूरालिंक, जो कि बेसिकली एक BMI है, यानी ब्रेन मशीन इंटरफेस, एक क्वाइन जितने साइज का, जिसे हमारे स्कल का एक छोटा सा टुकड़ा हटा के उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये डिवाइस अभी डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन इस कंपनी का मेन गोल है कि इस डिवाइस से हम रीड और राइट ऑपरेशन दोनों कर सकें, यानी ब्रेन में जो चल रहा है उसका पता कर सकें और किसी भी नए स्किल को एक एप्लीकेशन की तरह ब्रेन में इंस्टॉल किया जा सके। इन सब कंपनीज के अलावा इलॉन बीच में अपना ह्यूमर भी नहीं छोड़ते, जैसे कि उन्होंने रिसेंटली एक मूवी कैरेक्टर से इम्प्रेस होके $500 के हिसाब से 20,000 फ्लेम थ्रोअर सेल किए और कुछ ही दिनों में $10 मिलियन की सेल कर दी। इतना ही नहीं, एक बार अपने रॉकेट के आगे टेस्ला कार लगा के स्पेस में लॉन्च कर दी। ये आइडिया भी मूवी से इम्प्रेस था। एक बार तो इलॉन मस्क ने खुद ही ट्वीट कर दिया था कि टेस्ला कार का स्टॉक का प्राइस कुछ ज्यादा ही चल रहा है, और अगले ही दिन टेस्ला का स्टॉक प्राइस बहुत कम हो गया और टेस्ला कंपनी के इन्वेस्टर्स इलॉन मस्क से बहुत नाराज हो गए। बट एज यू नो, इलॉन इज इलॉन। कभी इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस का मजाक उड़ा देते हैं और पूछते हैं, जेफ कौन जेफ? जेफ हु? कभी इलॉन नया ट्रक लॉन्च करते हैं और वो बोलते हैं कि उसके शीशे बुलेट प्रूफ हैं, लेकिन एक आयरन बॉल से वो टूट जाते हैं। पता नहीं अभी एडवर्टाइजिंग स्टंट था या रियली क्वालिटी इशू। एनीवेज दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि अगर टोनी स्टार्क के करेक्टर आयरन मैन को दुनिया में किसी भी रियल पर्सन के साथ कंपेयर किया जा सकता है तो ऑब्वियसली वो इलॉन मस्क हैं, क्योंकि 12 साल की उम्र से लेके वो एक के बाद एक इनोवेशन करते रहे। कभी ब्लास्टर गेम बनाई, फिर जिप 2 लॉन्च की, फिर पेपैल, SpaceX, टेस्ला, सोलर सिटी, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, स्टारलिंक और पता नहीं और कितने इनके ऐसे ऑडिशियस गोल्स हैं। बट आई होप हम सब काफी कुछ इनसे सीख सकते हैं। एक चीज जो इलॉन कहते हैं जिसने उनकी लाइफ को बहुत इम्प्रूव किया है वो है बुक्स, बहुत सारी बुक्स। इलॉन कहते हैं कि उन्हें बायोग्राफी ज्यादा पसंद है क्योंकि हम औरों की लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। Well, I think you learn a lot depending upon, you know, whose life you're reading about. There are lots of lessons in there. I read Isaacson's biography of Jobs, which I thought was quite... वो कहते हैं ना कि एक नॉर्मल इंसान सिर्फ एक लाइफ जीता है, लेकिन एक रीडर जो बहुत बुक्स पढ़ता है मरने से पहले बहुत लाइफ जी लेता है। तो दोस्तों, अगर आप एक आईफोन या नए शूज या लैपटॉप की जगह अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गीगल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 130 से ज्यादा हिंदी में फ्री में बुक समरीज अवेलेबल है। और अगर आपको समरीज की क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं, वरना फ्री समरी से काम चला सकते हैं। हम दिवाली से पहले फर्स्ट 100 यूजर्स को ₹100 का डिस्काउंट दे रहे हैं प्रीमियम मेंबरशिप में। तो अगर आप ये डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप सेव 100 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। जस्ट रिमेम्बर,
This offer is only for first 100 users. Anyways, अगर आप इस ऐप में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। हम जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।